मसाला चाय आजकल न्यूज में काफी ट्रेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि टेस्ट एटलस ने मसाला चाय को नंबर 2 रैंक दिया है इन इंडियाज टॉप नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस लिस्ट। अब मसाला चाय बनती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ब्लैक टी लीव्स, स्पाइसेस सच एज जिंजर, सिनेमन, क्लोव्स, नटमेग एंड ब्लैक पेपर, वाटर, मिल्क और शुगर से। इतिहास का ये कहना है कि मसाला चाय हजारों साल पुराना है, जब एक राजा ने एक ड्रिंक बनाया जिसके कई मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। ड्रिंक में चाय नहीं था, बट इट वॉज फुल ऑफ स्पाइसेस, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, मेंट टू एड डाइजेशन, काम द नर्व्स एंड एनहांस सर्कुलेशन। ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया अ टेस्ट फॉर चाइनीज टी फ्रॉम 1650s ऑनवर्ड्स, बट 1820s से चाइनीज बिगान रिस्ट्रिक्टिंग द ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रेडिंग कंपनी वाज ट्राइंग टू स्टील द प्लांट्स एंड टी नॉलेज फ्रॉम द चाइनीज ग्रोअर्स। फिर इवेंचुअली काफी बैक एंड फोर्थ टी वॉर्स हुए एंड ब्रिटिश फाइनली चाय को इंडिया ले आए, और इसकी शुरुआत हुई आसाम में। टी इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एग्री किया किसी भी वेल्दी यूरोपियन या इंडियन को लैंड देने के लिए जो वहाँ चाय उगाना चाहते हैं। लोकलाइट्स ने चाय तो उगाया लेकिन कभी पिया नहीं, क्योंकि चाय का स्वाद इतना बुरा था, ब्रिटिशर्स के पास चाय बनाने का नॉलेज ही नहीं था। फिर एक इंडियन टी एसोसिएशन फॉर्म हुआ जिसने 1901 में एक 40 प्लस ईयर कैंपेन लॉन्च किया ताकि हिंदुस्तानी लोग चाय पिए। इन्होंने हर जगह सेटअप किया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, पोस्ट ऑफिस या रिलीजियस फेस्टिवल्स में, और ऐसे 1960 में मसाला चाय पूरे भारत में पॉपुलर हुआ। क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।